हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। वाणी का रेडी होकर के कितनी मस्त आ रही, बार बार कन्नू को चिढ़ा रही और कन्नू सोच रहा है इसका टिक्का लगने के लिए जा रहा, और ये इसके नए कपड़े कितने प्यारे लग रहे। कन्नू चला गया अपने दोस्त के साथ में बाहर घूमने के लिए, कभी मम्मी और पापा इसको भी लेके चले जाए, कन्नू को भी लेके चले जाए ना, इसीलिए पहले से पहले बाहर चला गया कि टिक्का लगने से सभी को डर लगता है। वाणी का टिक्का लगवाएगी ना, ऐसे डर लग रहा है इसको भी। क्या कि बिंदी नहीं लगाती? मम्मी के बिंदी लगी रहने दो, ठीक है। कमेंट आता है कि बिंदी नहीं लगाती है वो भी। वानिका बहुत समझदार है ना, बहुत समझदार है वानिका। देखो अपना आपको बहुत समझदार बताती है। तो चलिए, आप मम्मी को भी जाना था पर मम्मी नहीं जा रही है हमारे साथ में, तो हम घूम के आते हैं और जल्दी आएंगे। ये तारली बिंदी मम्मी की, वो लगा दी अच्छे से, ठोक दी, ठीक कर दी बिंदी। वो भी ना सही नहीं लगाई थी ना, सही किसने लगाई है? हाँ, इनने सही लगाई है। तो चलिए जी, वानिका को मिलेगा आशीर्वाद और बोबी को भी मिलेगा आशीर्वाद। जल्दी है और गर्मी बड़ी जबरदस्त हो रही है, पर अब हम शाम के टाइम जा रहे हैं जिससे गर्मी का थोड़ा सा कम हो गया है। नहीं नहीं बिल्कुल कम हो गया गर्मी का। और आज ये नया सूट पहना है भाई, मैंने तो पहली बार देखा आज नया सूट। मेरा ये सूट है ना, जूली दीदी सील करके गई है। जूली दीदी की जो सिलाई है ना बहुत अच्छी है, और उसने सूट सील के दे दिया है। अपने कपड़े की वानिका खुद बढ़ाई करती है, तो खुद बताएगी वानिका को कैसे लगे। ये तो बिंदी के पीछे पड़ गई है, बिंदी उतार कर आएगी और फिर कहेगी वो दीदी जाते ही मुझे कुंडल कहाँ पे रहेगी वाणी का, और बिंदी कहाँ लगाएगी? ये कुंडल, ये वाले कुंडल है, ये निकाल ले मम्मी की कुंडल है। ऐसे मिलने आया और पिताजी को करते हैं हम बाय बाय। तो पिताजी हम चलते हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे आगे, ठीक है जी। तो पिताजी ध्यान रखेंगे आज कन्नू को, क्योंकि कन्नू हमारे साथ में नहीं जा रहा है, और कन्नू को पिताजी के लिए छोड़ के आते हैं कि पिताजी कन्नू का पूरा ध्यान रखते हैं। तो चलिए जी, खैर फिलहाल मैं ही निकलता हूँ, और मेरा हेलमेट जो है वो रह गया है, वो भी मेरा हेलमेट ले लेंगे जरा। वाने का हेलमेट कहाँ लगाना है मुझे? कहाँ लगाना है बताओ, कहाँ लगाना है हेलमेट? कहाँ लगाना मुझे बताओ, कहाँ लगाना है? यहाँ लगाना है हेलमेट वाने का। मुझे बिना हेलमेट के जाने नहीं देती कहीं भी, जब भी मैं बाइक की तरफ चलता हूँ तो वाने का हेलमेट की मुझे जिद कर देती है कि हेलमेट चाहिए, है ना? हेलमेट लगा के चलना चाहिए ना। हाँ, वाने का बोलती है हेलमेट लगा के चलना चाहिए, हेलमेट तो मेरा भी आना चाहिए, वाने का भी आना चाहिए। तो ये चल दिए हम और मस्ती करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर हमें प्यास लग रही है, तो हम कह रहे थे कि कुछ ठंडा वंडा पिला दियो हमें, जब रास्ते में कोई दुकान आओगे पिला दोगे क्या? हाँ पिला देंगे। अच्छा जी, तो ये नए नए रोड बना है, और रोड अभी अभी बना है बस 5-10 दिन पहले ही, तो इसकी पहली राइडिंग कर रहे हैं मैं और कन्नू के पापा और वाणी का। वाणी का बिल्कुल बीच में बैठी है, अपने पापा का बैग देखो किस तरीके से खोल रखा, टाइट खोल रखा पूरा, कभी पापा की गोली बढ़ लें कभी की। अभी हम बुढ़ाना पहुंच गए हैं, और बुढ़ाना पहुंचने के बाद हमने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल दिया जाए आज, और सांवरिया के यहाँ के समोसे जो है बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, खासकर चिंकी के। और चिंकी इतनी प्यारी लगती है ना, बहुत ही प्यारी लगती है, तो चिंकी के फेवरेट समोसे ले लिए हैं। यहाँ से काफ़ी दूर आना पड़ा हमें, लेकिन ये ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ के समोसे अच्छे रहते हैं, और बाकी तो हम एक बार लेकर के गए थे बहुत बेकार समोसे लेकर के गए थे, तो यहाँ से अच्छे वाले लेकर के जा रहे हैं इस बार। सबको लगा के देते। और साइकिलिंग कैसे चल रही तेरी है? कौन कौन जा रहे हैं? बैठ गई अपनी सवारी पे, ये देखो गाड़ी पे बैठ गई, और गाड़ी पे और ये दोनों ले लेके बैठ गए सारे। खाता नहीं, खा ला है तेरे फेवरेट लेके आए, जलेबी मंगवा रखी, आइसक्रीम भी मंगवा रखी, ओ इतनी सारी चीज मंगवा रखी, सब कुछ। अरे वाह, जलेबी तो, जलेबी तो मेरी भी फेवरेट है भाई, जलेबी तो अगले साल खाएंगे। अच्छा, और आज हम लेके आए सांवरिया के यहाँ से समोसे। दीदी के यहाँ से ही खाएगी ना, मस्ती दीदी के यहाँ से ही। दीदी है ना तू? आगे के दांत टूट गए ना? कितने दांत टूट गए? पांच टूट गए। अच्छा, बहुत जिद्दी है मम्मी, क्या से करे? टूटे थे, अरे क्यों टूट गए? तीनवा, अरे चार, अरे पांच। बस हम आ गए हैं यहाँ पर, और ऊपर बस नाश्ता हो रहा था छत पर, चाय समोसे वो मस्त चल रहे थे, तो बस
कन्नू के पापा नीचे बैठ गए हैं मौसा जी के पास में। वाणिका का ध्यान रख रही हूँ मैं, वाणिका मेरे साथ ही है। जब ऊपर छत पे आ गए थे ना, ये भी आ गई थी। बैठे हैं कन्नू के पापा, मौसा जी और भाई साहब। वाणिका चलो बेटा नीचे, चले नीचे नहीं जा रहे, घर चलते हैं। यहाँ यहाँ रहोगे, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चलो मौसी के साथ जाओगे, मौसी के साथ। हाँ और यहाँ से है ना ज्यादा फिसलन है, मुझे भाई कर रही मौसी के साथ जाके आज। चल भाई तू भी बैठ। बाय वाणिका, बाय कर रही अपनी मम्मी को, बाय कर दे अपनी मम्मी को, बाय कर दे, भले मेरी गोद में आती हो। बाय कर ले, बाय बाय। जिंकी का मुंह चढ़ रहा वहां। बाय नंदनी नहीं देख, कगर थी किसी की तरह को भी बोलो शेरा वाली माता की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल भूमिया केड़े की जय। आपके बैग में कुछ ऐसा तो नहीं है, टूटने फूटने वाला गिर गया। घूमती फिरती भी जावे जब भी जावे इसमें। मैं पकड़ रहा हूँ। मानिका कहाँ? पापा है क्या? पापा कहाँ? अभी हम पहुंच गए हैं अपनी भाभी के मायके में और हम तीसरी बार जा रहे हैं। खूब मस्ती भी करते हुए गए हम गाड़ी में और सबसे पहले मिली हूँ मैं अपनी मम्मी से। मम्मी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और ये कह रही थी कि मायके कब आ रहे हो, तो मैंने कहा, मैंने भी कह दिया कि हाँ जब जामुन पक जाएगी, और हम पक जाएंगे जब भी आएंगे, हम तो मायके में इससे पहले थोड़ी ना आने वाले हैं। तो हम बहुत सारे गप्पे लड़ा रहे थे और यहाँ पे है ना थोड़ी सी लाइट कम है और अंधेरा हो रहा है, तो लाइट की व्यवस्था करने लग रहे हैं। मेरी वाणिका को देख के पता नहीं क्यों सब बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं, और जब भी मिलते हैं ना देखते हैं बड़ी बड़ी चप्पलों के साथ में। चप्पल पहनने का उसको बहुत शौक है, सब चीज़ों का शौक है उसको, क्रीम लगाने का, नेल पेंट लगाने का, बिंदी लगाने का। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में हम चल दिया खाने की ओर। वंदना ने आते ही बोल दिया था कि दीदी आप पानी पी लो, और पानी पीते ही हम को कहने लगी कि चलो खाना खा लो। तो भाई खा लिया, भर लिया, और राम का नाम लेने का टाइम हो गया इनका, स्वागत इनका हो गया था। पर जो हमारी वाणी के ऊपर दिए सब ने प्रसाद ग्रहण कर लिया भाई, जागरण का, अब माता रानी का भजन गाएंगे। वैसे तो मौसम बहुत गर्मी का हो रहा, पर देखते हैं क्या गर्मी है। प्यारी से साथ वंदना लेकर चल रहे हैं, और उसके पश्चात हमारे सोनू रंगीला जी माँ भगवती के चरणों में उधर नैना सैनी भी आ चुकी है लेकर चल रहे हैं। Oh, baby, you're my love.
उन्हें तो घर बैठे हो जाए सारे तीर्थ धाम। माता पिता और गुरुजनों का जिनके सिर पर हाथ है उन्हें तो घर बैठे हो जाते सारे तीर्थ धाम। कहते हैं कि बिन माता पिता के जीवन एक शमशान की तरह उजाड़ है। ये दास्तान से बड़ी कोई जंजीर नहीं होती और जिगर से बड़ी कोई पीर नहीं होती। ये दास्तान से बड़ी कोई जंजीर नहीं होती और जिगर से बड़ी कोई पीर नहीं होती। ये पत्थर की मूर्तियों को पूजने वालों माँ बाप से बड़ी कोई तस्वीर नहीं होती। सच्ची दरबार की अगर तुम्हें सम्मान करके अपने माता पिता का अपने बड़ों का उठाओ दोनों हाथ एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ आएगा मीठी मीठी ताली से कहेंगे अरे सच्ची दरबार की।